नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां जिला के भवन निर्माण विभाग के प्रांगण में जिला के संवेदकों ने विभागीय लूट खसोट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संवेदकों ने कहा कि जिला के भवन निर्माण विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की चौकड़ी जम गई। इसके मुखिया कार्यपालक अभियंता अशोक राय है। संवेदकों ने टेंडर प्रक्रिया में हो रहे धांधली की उच्च स्तरीय जांच करने व दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। संवेदकों ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों पर जातिवाद करने का आरोप भी लगाया है। उन लोगों ने एक जाति विशेष के लोगों को गुपचुप तरीके से टेबल टेंडर दिए जाने का आरोप भी लगाया है। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संवेदकों ने कहा कि देश की नरेंद्र मोदी एवं बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही चरम सीमा तक बढ़ी हुई है। केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार लूट खसोट मची हुई है। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ के संवेदक हुए। मेरा नाम मोहम्मद ताबिश हुआ। इस कुटीप साहब पूरे तरह से भवन निर्माण विभाग में धांधली किए मचाए हुए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कुछ संवेदक है जो पुराने संवेदक हैं। इस कुटीप साहब उसमें वर्क पार्टनर रहते हैं उन संवेदकों के साथ, और पूरा वर्क पार्टनर में पार्टनर रह के भी पूरा धांधली करते हैं। हम लोग जैसे आते हैं, कभी भी पेपर गिरता है हम लोग का, तो उसमें हम लोग को कोई भी बहाना से छांट देते हैं। ये धांधली हमेशा चल रहा है। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि भवन निर्माण विभाग में इस प्रक्रिया के लिए पूरा जांच हो। RTI हम लोग मारे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया हम लोग को। और अधिकारी पे जांच हो, बड़ा बाबू वीरेंद्र रजक पे जांच हो, स्कूटी साहब अशोक राय पे जांच किया जाए। मेरा यही मांग है कि पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। RTI का पूरा जवाब नहीं दिया गया हम लोग को, जबकि मेरा अधिकार होता है RTI मांगने का। यह अधिकार का दुरुपयोग किया गया है, और मेरे हम लोग को जान पे खतरा भी है कि RTI को पूरी तरह सब जगह हर संवेदक के बीच बांट दिया गया, नाम खोल दिया गया है कि ये RTI मारा हुआ, जबकि ये होना चाहिए, नाम गुप्त होना चाहिए RTI का। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश हुआ। मेरा यही कहना है कि इस पे जांच हो, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब भवन निर्माण विभाग पे जो दोषी है उन पे कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। रेगुलर संवेदक है यहाँ, पिछले कई वर्षों से टेंडर प्रक्रिया में धांधली हो रहा है, यहाँ जातिवाद हो रहा है। पिछले वर्ष में यहाँ पे 31 से ज़्यादा NIT को पब्लिश किया गया, 31 से ज़्यादा NIT पे काम किया गया, और जबकि पेपर में और वेबसाइट पे मात्र 6 NIT को दिया गया। बाकी सारा पैसा यहाँ के कार्यपालक अभियंता और यहाँ के बड़ा बाबू दोनों मिल के, यहाँ के वर्क पार्टनर मिल के, यहाँ जो भी संवेदक काम करते हैं, 5-7 संवेदक हैं, वो वर्क पार्टनर बन के काम करते हैं यहाँ के, और सारे सरकारी पैसा का दुरुपयोग करते हैं, धांधली करते हैं। नया जो भी संवेदक आता है उसको तरह तरह से परेशान करते हैं, और जातिवाद समझ के जो भी छोटे जाति के हैं या फिर अल्पसंख्यक से आते हैं उनको परेशान किया जाता है, और तरह तरह से पेपर प्रक्रिया में छाटा जाता है, और यहाँ टेंडर प्रक्रिया में धांधली होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमानुल्ला रहमानी है, हम संवेदक हैं यहाँ के।